हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग. आई एम पूजा तंबोली. दिस इज शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ. आई हैव डन BSc BA टॉपर ऑल्सो. आई ऑल्सो कम्प्लीटेड माई MBA इन HR एज माई मेजर सब्जेक्ट. आई हैव डन MSc इन कंप्यूटर साइंस एंड आई ऑल्सो स्टैंड इन फर्स्ट पोजिशन टॉप इन माई कॉलेज. आई हैव ए गुड टीचिंग एक्सपीरियंस इन गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज, वर्कड एज असिस्टेंट लेक्चरर देयर. आई हैव क्रैक माई CTET एग्जाम रिसेंटली इन द ईयर 2021 January. This is all about my introduction. So, I'm just giving a brief introduction what course I will teach you on my YouTube channel. Basically, ये उन exams उन students के लिए बहुत useful है जो अभी currently prepare कर रहे हैं KVS exam के लिए, जिनका subject computer science है. इसके अलावा जो भी एस्पिरेंट, जो नेट एस्पिरेंट्स हैं जिनका कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट है, ये कोर्स उनके लिए भी यूज़फुल है. एज वेल एज जो नई कंप्यूटर टीचर की जो वैकेंसी निकलने वाली है, अभी नोटिफिकेशन आउट नहीं हुआ लेकिन कंप्यूटर टीचर की वैकेंसी निकलेगी. सो ये जो कोर्स मैं आपको प्रोवाइड कराऊँगी, उन स्टूडेंट्स के लिए, उन एस्पिरेंट्स के लिए भी यूज़फुल है. सो इन कोर्स के अंदर अपन जो मेरा जो स्ट्रेटजी रहेगी वो बेसिकली सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ रहेंगे. मतलब पहले जो हमें जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे सभी कंप्यूटर का उसका, और मतलब सिंपल से एडवांस की तरफ चलेंगे. क्योंकि एडवांस में आपको अगर अपन नेट की ऑपरेशन कर रहे हैं तो उसमें अपन को एडवांस का ही कवर करना पड़ेगा. इसके अलावा हम जो KVS है, KVS में भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सलेबस दे रखा है उसका, लेकिन हम उसको ईजी वे में, ईजी तरीके से वन बाय वन करते हुए हम उसको पढ़ेंगे. तो जो पहली क्लास है वो बहुत ही जनरल क्लास है. या आप लोगों ने क्लास 5th से लेके, मतलब कंप्यूटर तो बहुत ही आप लोगों को कह सकते हैं कि अभी सभी जो स्मॉल क्लासेस है, जैसे 3rd क्लास हो गया, उसके अंदर भी कंप्यूटर काफ़ी अच्छा सा बच्चों को पढ़ाया जाता है. तो ये बहुत ही जनरल जो है, मैं आप लोगों को ये आज क्लास बता रही हूँ. ठीक है, तो सब स्टार्ट करते हैं हम विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम. स्टार्ट विद आवर न्यू टॉपिक कंप्यूटर, दैट इज़ जनरल इंट्रोडक्शन. द वर्ड कंप्यूटर कम्स फ्रॉम द वर्ड कंप्यूट. ठीक है, जो वर्ड कंप्यूटर है वो किससे लिया गया है? कंप्यूट से लिया गया है. इसका मतलब होता है विच मीन्स टू कैलकुलेट, कैलकुलेट करना है, दैट इज गणना करना. ठीक है ना, कंप्यूटर इज कंसिडर्ड टू बी कैलकुलेटिंग डिवाइस. कंप्यूटर क्यों यूजफुल हुआ? क्योंकि इसको एक तरह से कैलकुलेशन डिवाइस भी मानते हैं हम. ठीक है ना, क्योंकि कैलकुलेशंस बहुत सिंपल कैलकुलेशंस तो अपन ऑन द टिप्स कर देते हैं, लेकिन जो कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस होती है वो हम कंप्यूटर का ही यूज़ कर सकते हैं. ये क्वेश्चन पुट अप कर सकते हो कि कैलकुलेटर से क्यों नहीं कर सकते. कैलकुलेटर से कर सकते हैं, लेकिन जो स्पीड और एक्यूरेसी जो हम कंप्यूटर के अंदर कर सकते हैं, कंप्यूटर के अंदर डेटा स्टोरेज का भी ऑप्शन होता है, लेकिन ये जो ऑप्शन होता है हम हमारे जो कैलकुलेटर होता है उसमें नहीं होता. लॉन्ग टाइम तक हम उसको सेव नहीं कर सकते हैं. सो हम कह सकते हैं कि देखा जाए तो कंप्यूटर जो है बहुत ही यूज़फुल है. द वर्ड कंप्यूटर इज़ कंसिडर्ड टू बी कैलकुलेटिंग डिवाइस दैट कैन परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशन एट ए हाई स्पीड. हाई स्पीड के अंदर अरिथमेटिक ऑपरेशन करते हैं, परफॉर्म करता है. अरिथमेटिक ऑपरेशन क्या होता है? जैसे प्लस माइनस हो गया, ठीक है ना, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हो गया, ये सब अरिथमेटिक ऑपरेशन के अंदर आते हैं. कंप्यूटर इज़ ए डिवाइस दैट ऑपरेट्स अपॉन डेटा. मेन पॉइंट क्या है कि जो कंप्यूटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि ऑपरेट होता है किसके ऊपर? डेटा का ऊपर ऑपरेट होता है. और डेटा जो है कैन बी एनीथिंग. ठीक है, डेटा कुछ भी हो सकता है, जैसे कि बायोडाटा ऑफ ए कैंडिडेट्स, हमारा जो बायोडाटा होता है, या फिर मार्कशीट है स्टूडेंट्स की, या फिर पैसेंजर्स की लिस्ट है. डेटा कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग इन्फॉर्मेशन दैट इज रिटन ऑन ए पेपर. ठीक है ना, जो भी इन्फॉर्मेशन होती है वो हमारा बेसिकली क्या होता है? डेटा होता है. जो कंप्यूटर के अंदर अपन इनपुट करते हैं वो बेसिकली डेटा होता है. ए कंप्यूटर कैन स्टोर, प्रोसेस एंड रिट्राइव डेटा व्हेन रिक्वायर्ड. कंप्यूटर क्या करता है? जो भी डेटा होता है उसको है स्टोर करता है, उसके को प्रोसेस करता है डेटा को, उसको रिट्राइव करता है. रिट्राइव मतलब वापस से लेना. ये कंप्यूटर के अंदर एक जो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, दैट इज स्टोरेज करने का. तो कंप्यूटर के अंदर जो भी डेटा होता है हम उसको सेव करके, स्टोर करके रख देते हैं. और जब कभी भी अपन को वो इन्फॉर्मेशन या डेटा चाहिए होता है तो हम उसको रिट्राइव कर लेते हैं, मतलब कंप्यूटर से वापस देख सकते हैं जब भी हमें आवश्यकता होती है, व्हेन एवर इट वॉज डिजायर्ड. ठीक है, द नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ प्रोसेसिंग डेटा विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड डेटा प्रोसेसिंग. वह प्रोसेस जो कि डेटा को प्रोसेस करता है विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर, उसको अपन डेटा प्रोसेसिंग कहते हैं. तो बेसिकली डेटा तो
इनपुट हो जाता है, लेकिन जो है डेटा को प्रोसेस भी करना पड़ता है। तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है उसको अपन डेटा प्रोसेसिंग बोलते हैं। देन नेक्स्ट, डेटा प्रोसेसिंग कंसिस्ट ऑफ ए थ्री सब एक्टिविटीज़। डेटा प्रोसेसिंग में तीन मुख्य एक्टिविटीज़ होती हैं। कौन कौन सी? कैप्चरिंग इनपुट डेटा, मतलब क्या करता है ये, सबसे पहले जो भी इनपुट डेटा जो भी आया होता है उसको कैप्चर करता है। जैसे अपन फोटो कैप्चर करते हैं तो फोटो क्या हो गया, एक तरह से डिजिटल, मतलब एक तरह से अपना पिक्चर फॉर्मेट के अंदर हम उसको कैप्चर करते हैं मोबाइल के अंदर। वैसे ही जो डेटा है वो कंप्यूटर के अंदर क्या करता है, कैप्चर करता है। तो जो भी इनपुट होता है उसको वो लेता है। देन मैन्युपुलेटिंग द डेटा, मतलब मैन्युपुलेट में या मतलब उस डेटा के ऊपर प्रोसेसिंग करेगा। मैन्युपुलेट का मतलब होता है चेंज करना, टू मेक इट चेंजेस, टू मेक दैम चेंजेस, के अंदर चेंजेस करना, उसको मैन्युपुलेट करना। देन थर्ड होता है मैनेजिंग आउटपुट रिजल्ट, उसको प्रोसेसिंग के बाद में उसका जो रिजल्ट होता है उसको मैनेज करना और जो भी आउटपुट होता है उसको देता है। ठीक है, तो इसमें अपन एक बेसिकली एक बहुत ही इजी डायग्रामेटिक वे में हम इसको समझेंगे कि देखो बेसिकली क्या होता है कि हमारा जो माइंड होता है वो थियोरिटिकल इन्फॉर्मेशन ज़्यादा ले नहीं सकता है। इसलिए बहुत अच्छी एक तरह से एजुकेशन जो है टिप मैं आपको दे रही हूँ कि अगर आपको कोई भी चीज़ लर्न करनी हो तो उसको आप एज ए एक कुछ भी एज ए फ्लो चार्ट के रूप में अपन उसको स्टोर करके रखें तो वो हमारे माइंड में क्या है स्टोर हो जाता है, उसको अपन अलग अलग शेप्स दे सकते हैं। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट में, डेटा एज ए रॉ मटेरियल, उसको मैंने एज ए क्लाउड वाला बॉक्स के अंदर उसको मैंने रखा है। तो जो डेटा होता है वो उसको वो क्या होता है, एक तरह का रॉ मटेरियल होता है, रफ़ टाइप होता है। ठीक है ना, तो जो कंप्यूटर होता है वो क्या करता है, इनपुट कर लेता है एज ए रॉ मटेरियल। फिर जो है डेटा प्रोसेसर, डेटा प्रोसेसर को भी मैंने आपने देखा कि इसको एक अलग शेप में रखा है। तो जो भी रॉ मटेरियल होता है डेटा प्रोसेसर क्या करता है, उस इनपुट डेटा के ऊपर प्रोसेसिंग करता है। ठीक है, और फिर लास्ट में जो स्क्वायर शेप में है ये है प्रोसेस डेटा, कि जो भी इंफॉर्मेशन प्रोसेस्ड हो गई है उसको अपन क्या, जो भी डेटा प्रोसेस्ड हो गया है उसको अपन क्या कहते हैं, यहाँ पर इंफॉर्मेशन कहते हैं, और वो इंफॉर्मेशन हमें आउटपुट के रूप में मिलती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ द कंप्यूटर। इसकी PDF फाइल जो है मैं आपको वीडियो के एंड के अंदर प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है ना, तो ये हमने बेसिक स्टार्ट किया था, इसके बाद में हम सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ चलेंगे, इजी से हम कॉम्प्लेक्स की तरफ चलेंगे। इसमें हम नेट का सिलेबस कवर करेंगे, KVS का सिलेबस कवर करेंगे, इसके अलावा जो कंप्यूटर टीचर की वैकेंसी आ रही है और जितने भी लोग कंप्यूटर बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि जितने भी कॉम्पिटिशन एग्जाम्स होते हैं उसके अंदर कंप्यूटर क्वेश्चन पुटअप होते ही है, तो आप मेरा जो वीडियो है उसको रेफ़र कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करना, शेयर करना, अपने जो फ्रेंड्स रिलेटिव जो भी एस्पिरेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं स्पेशली कंप्यूटर टीचर वैकेंसी के लिए, जैसे KVS की हो गया, ठीक है ना, तो उनको आप ये रेफ़र कर सकते हैं वीडियो। और अगर इसके अंदर कुछ भी अपग्रेड करना हो मेरी वीडियो के अंदर, या आपको कोई चीज़ सही नहीं लगी तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। नेक्स्ट टाइम जब भी मैं वीडियो बनाऊंगी तो मैं ध्यान रखूंगी। थैंक यू सो मच गाइज़।